लेट्स टू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ऑफ एक्सरसाइज थ्री एफ दैट इज लीन इक्वेशन टू वेरिएबल क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज इफ एक्स अपॉन फोर प्लस वाई अपॉन थ्री इक्वल्स टू फाइव अपॉन ट्वेल्व एंड एक्स अपॉन फोर प्लस वाई इक्वल्स टू वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करेंगे सबसे पहले अपनी दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी एक्स अपॉन फोर प्लस वाई अपॉन थ्री इक्वल्स टू फाइव अपॉन ट्वेल्व ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन थी हमारी x अपॉन टू प्लस वाई इक्वल्स टू वन ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है तो अब हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पे x और y ऊपर ही हैं नीचे कांस्टेंट है तो हम इनका एल सी एम लेके इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ गया एल सी एम फोर थ्री जॉ ट्वेल्व राइट अब थ्री की मल्टीप्लीकेशन एक्स के साथ और फोर की मल्टीप्लीकेशन वाई के साथ तो ये आ गया थ्री इंटू एक्स प्लस फोर इंटू वाई इक्वल्स टू फाइव अपॉन टवेल्व अब ये ट्वेल्व इधर चला गया तो ये आ गया थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल्स टू फाइव अपॉन ट्वेल्व मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि उधर डिवाइड था ट्वेल्व से ट्वेल्व कैंसल हो गया तो यह आ गया थ्री एक्स प्लस फोर वाई Equals टू फाइव ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन अब इसी तरीके से टू एल लिया तो ये आया x प्लस टू इन टू वाई ईक्स टू वन तो ये आ गया x प्लस टू वाई ये टू उधर चला गया तो ईक्वल्स टू टू ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन राइट अब दोनों इक्वेशन्स लिख लेते हैं आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन थी थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल्स टू फाइव ये फर्स्ट इक्वेशन और एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू टू ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन तो हमने देखिए वाई का कॉम्फिशेंट इक्वल करने के लिए सेकेंड इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशन्स मल्टीप्लाइंग इक्वेशन टू बाय टू तो ये कितनी आ गई फर्स्ट ऐसी आएगी थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल्स टू फाइव और सेकेंड क्या आएगी सेकेंड में टू की मल्टीप्लीकेशन होगी ये आ गई टू एक्स प्लस फोर वाई इक्वल्स टू फोर टू एक्स प्लस फोर वाई इक्वल्स टू फोर साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस के थे वाई के तो इसलिए ये कैंसिल हो गया तो ये कितना आ गया अब x के देखिए ऑपोजिट साइन है दोनों के तो आप उसमें सब हो जाएंगे साइन बड़े वाले का इसी तरीके से यहां पे भी तो ये आ गया x इक्वल्स टू वन राइट अब हमें y निकालना है तो पुटिंग x इक्वल्स टू वन इन इक्वेशन वन तो इक्वेशन वन क्या थी थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल्स टू फाइव तो थ्री इन टू एक्स प्लस फोर वाई इक्वल्स टू फाइव तो ये आ गया थ्री प्लस फोर वाई ईक्स टू फाइव फोर वाई कितना आ गया फाइव में से थ्री चला गया तो फोर वाई आ गया हमारा टू और वाई आ गया टू अपॉन फोर दैट इज वन अपॉन टू अब एक्स प्लस वाई निकालना था हमें क्वेश्चन में दे रखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई तो एक्स प्लस वाई कितना आएगा एक्स था हमारा वन वाई था वन अपॉन टू तो टू एल सी एम लिया तो टू इंटू वन टू की मल्टीप्लीकेशन वन में तो ये आया टू प्लस वन अपॉन टू दैट इज थ्री अपॉन टू इज़ द आंसर